हे गाइस, वेलकम टू द थंडर वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि हमने इस चैनल पर जापान के कई सारे दानव और भूतिया कहानियों पर वीडियोस बनाई हुई है। तो आज हम वैसे ही जापान के ऐसे दानव या फिर ऐसे क्रिएचर के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है कप्पा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1 2 3 बूम। दोस्तों, आमतौर पर कप्पा को नहीं माना जाता है, लेकिन आज भी ऐसी कई जगहें हैं जहां पर कप्पा के होने के दावे दिए जाते हैं, लेकिन आज के टाइम पे ऐसी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। तो कप्पा को पानी का राक्षस भी कहा जाता है और कप्पा के सर पर एक छेद होता है जिसमें हमेशा पानी भरा हुआ रहता है। ऐसा कहा जाता है कि उसे कप्पा को ताकत मिलती है। कप्पा कुछ हद तक कछुए की तरह दिखाई पड़ता है और ये इतना शक्तिशाली होता है कि एक ही बार में इंसान को मार के खा सके। कप्पा आमतौर पर बच्चों को अपना शिकार बनाता है, लेकिन कई सारे ऐसे दावे दिए गए हैं जिसमें कप्पा पानी के आसपास रहने वाले लोगों को भी मार के खा गए हैं। सन 1880 में मियाको निंजो सामानोजो और उनके परिवार वालों ने कप्पा को गोली मार दी थी, लेकिन उस बंदूक की गोली से कप्पा को कुछ भी नहीं हुआ और वहीं उसी जगह पर कप्पा ने उस परिवार को पेल दिया। इस घटना के बाद फिर कप्पा धीरे धीरे दिखाई देने बंद हो गए, लेकिन 1990 में जापान में खुदाई के दौरान पानी के आसपास कप्पा के निशान देखे गए। जब उस जगह की इन्वेस्टिगेशन की गई तभी कुछ सबूत मिले, लेकिन गवर्नमेंट के अनुसार कप्पा लुप्त हो चुके हैं, तो इस वजह से उन सबूतों का कुछ भी काम नहीं है बे। और जापान में पिछले 80 सालों से कप्पा को देखा नहीं गया है। तो इन सब घटनाओं के बाद कप्पा को इतना अटेंशन मिला कि उस पर कई सारे एनिमे सीरीज और मूवीज भी बनाई गई। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस कप्पा के बारे में, आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।